हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी से एक पत्र जारी हुआ है। सेवा में प्रशासक नगर निगम मधुबनी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम झंझारपुर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत घोघरडीहा, फुलपरास, जयनगर एवं बेनीपट्टी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी सह सदस्य सचिव प्रखंड नियोजन इकाई मधुबनी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, सभी पंचायत सचिव सह सदस्य सचिव ग्राम पंचायत राज मधुबनी, मधुबनी जिला, ठीक है। विषय है पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पद की गणना करने के संबंध में निदेशक प्रसंग निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना का पत्रांक दिया गया है दिनांक 26/5/2022। कल एक पत्र जारी हुआ है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, जिसमें सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर रिक्ति की गणना करके जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। तो उसी के आलोक में ये पत्र जारी हुआ है यहाँ से मधुबनी से। इसमें जो है एक फॉर्मेट निकाला गया है, उसको भर के देना है, रिक्ति का गणना करके देना है। उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा जिन पंचायत राज संस्थान व नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया वर्तमान चरण में पूर्ण हो चुकी है, वहाँ रिक्त पदों की गणना किए जाने का आदेश जो है प्राप्त है। निदेशालय से प्राप्त उपरोक्त आदेश के आलोक में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने नियोजन इकाई के अंतर्गत अवस्थित विद्यालयों में दिनांक 31/3/2022 की स्थिति के अनुसार विद्यालय बार एवं नियोजन इकाई बार रिक्त पदों की गणना कर इस पत्र के साथ अनुलग्नक एक के रूप में संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन दिनांक 15/6/2022 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में पूर्ण की गई नियोजन की प्रक्रिया में उपलब्ध कराया गया रिक्ति की गणना वर्ष 2012 में की गई थी। वर्ष 2012 में प्राप्त रिक्ति के आधार पर रोस्टर अनुमोदित कराकर नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई थी, जो वर्ष 2016 एवं 19 में अवशेष रिक्ति को पुनः अनुमोदित कराकर नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। इस स्थिति में आप निर्देशित है कि वर्ष 2019 में प्राप्त कराए गए रोस्टर बिंदु के विरुद्ध वर्तमान चरणों में पूर्ण की गई प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिक्षकों का नाम कोटिवार इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक दो के रूप में विहित प्रपत्र में वांछित सूचना बनकर भरकर दिनांक 15/6/2022 तक अचूक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। आज ही के डेट में 27 के डेट में ये जारी हुआ है। तो यही प्रतिवेदन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सातवें चरण हेतु रिक्त पदों की गणना से संबंधित प्रतिवेदन, क्रम संख्या, फिर प्रखंड का नाम, विद्यालय का नाम, 31/3/2022 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च 2022 तक की जो रिक्ति है वो इसमें ऐड होगी। नामांकित बच्चों की संख्या बेसिक ग्रेड का है, ठीक है, पंचायत हेतु, और ऐसा ही प्रखंड का और इसका नगर निगम सबका अलग से होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात में स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यबल और रिक्त पद, फिर अभियुक्ति, ठीक है, इसको भर के जो है वो देना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर और पंचायत सचिव सह सदस्य सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर इस पे होगा। तो जल्द ही सातवां चरण जो है शुरू होने वाला है, तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और कल ही जारी हुआ है राज्य से प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, और ये मधुबनी जिला से जारी हो गया। इसी तरह और भी किसी जिला से अपडेट आता है तो मैं उससे आप लोगों को अपडेट करूँगी। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।